टुनटुन बाबू आप तभी आए वार्ड में घूमने के लिए, आप तभी ना आए, जीत लिए एक बार के लिए, कभी नहीं आए। आप रील ऐसा नहीं बोलो, आप जितना बार कब आ रहे थे इधर देखने के लिए, जितना बार का स्थिति देखिए, भागलपुर नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी व पूर्व महापौर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को चुनाव प्रचार के दौरान जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने मेयर प्रत्याशी व पूर्व महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही अपशब्द भी कहे। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को घेर कर उन्हें अपनी वार्ड की समस्याओं से लोगों ने रूबरू कराया और बताया कि पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है, वार्ड की स्थिति काफी खराब है, जहां तहां गंदगी फैली हुई है। इस दौरान लोग काफी आक्रोशित हो गए। टुनटुन बाबू आप कभी आए वार्ड में घूमने के लिए, आप कभी ना आए, जीत लिए एक बार के लिए, कभी नहीं आए। आप रील ऐसा नहीं बोलो, आप जितना बार कब आ रहे थे इधर देखने के लिए, जितना बार का स्थिति देखिए, गुलाम चलाएंगे, कोदरा लाइए, साफ कर देंगे भी। जिंदाबाद बोल रहा, क्या बोल रहा, जिंदाबाद रे मस्त, जिंदाबाद बोल रहा। तो कहते हैं आप लोग का जीता है, लेकिन बता अपना किस मत से में जीते हैं, वो हमको नहीं जिताया है। जिंदाबाद जिंदाबाद बोल रहा, जिंदाबाद के नाम बोले तो वर्ल्ड ब्रिज बना दो जरूर। हम आपको बता दें, नगर निगम भागलपुर के लिए महापौर, उप महापौर और पार्षद के पद के लिए 28 दिसंबर को मतदान होना है और उसी सिलसिले में भागलपुर में अब चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। समय कम है और इसी कम समय में मेयर, उप मेयर, प्रत्याशी को पूरे भागलपुर जिले में जनसंपर्क भी करना है। इसी सिलसिले में पूर्व महापौर सीमा साह के पति और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह अपनी पत्नी के समर्थन में चुनाव प्रचार करने भागलपुर के वार्ड नंबर 50 के वारसलीगंज मोहल्ला पहुंचे थे। उसी दौरान जब वार्ड 50 जो कि पूर्व महापौर सीमा साह का भी वार्ड है पहुंचे, तो लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। लोगों ने सीमा साह मुर्दाबाद, टुनटुन साह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह को रोक कर जमकर खरी खोटी सुना दी। इस दौरान लोग काफी आक्रोशित हो गए, जिसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह अपने समर्थकों के साथ वहां से निकल गए। बहुत कुछ बोला गया, ऐसा बात नहीं है, बहुत कुछ बोला गया, ऐसा बोला गया कि उसको कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ बोला गया। इस बार जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी? हाँ, तो अब जनता का भी इसको तो उठाने नहीं है, अब जनता जिसको चाहेगा उसको सीमा साहब को तो उठाने वाला है। तो मांगने वो आज आए थे, वो सीमा साहब उनके पत्नी जो महापौर है वो नहीं आए थे, लेकिन उसका पति आए थे टुनटुन बाबू, वो आए थे वोट मांगने के लिए। और तो आप लोगों ने क्या कहा? हम लोग तो आक्रोशित हैं उसके ऊपर में, उनको आपकी वोट नहीं दिया जाएगा और हम लोग अपने से चुनेंगे वोट। जनहित किया गया वार्ड में, कोई काम नहीं किया गया है, 5 साल सीमा साहब भी वार्ड पार्षद रहे हैं और उप महापौर भी रहे, मेयर भी रहे हैं, वो आज झलक दिखलाने आए हैं वोट के समय के बारे में। पूर्ण वोट मांगने आए थे और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, विकास भी कुछ नहीं हुए हैं 5 साल में, सब बाधित है, हम लोग नरक में जी रहे हैं, सब स्कूल के आने जाने बच्चे वाले को सबको अभी दिक्कत हो रहे हैं, सबको स्कूल गाड़ी फलना डलना सब तो जा रहा है, दिक्कत हो रहे हैं उसमें। आज तक कोई चुनाव नहीं हुआ, चुनाव होने जा रहा है, लेकिन वो अभी आए हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए, वो काम नहीं किए हैं वार्ड में। किस तरह की सब 50, 51, 49 सबका पानी बढ़ रहा है, वो तो दीपू वार्ड पार्षद हैं जो कि थोड़ा सा निकासी करवा रहे हैं अपने वार्ड में, क्योंकि पानी का समस्या थोड़ा कम हुआ है, पानी पूरा लबालब रहता है, हम लोग का पानी हर समय 24 घंटा पानी रोड पे रहता है, कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अच्छा, पूरा जिंदगी गंदगी में जी रहे हैं, अभी आपके सामने देख लीजिए कितना गंदगी है। हाँ, और अभी वोट के समय में आ रहा है कि हमको वोट दीजिए, हमको निकालिए, इतने के बाद सरकार नहीं है। नगर निकाय के पहले चरण में भागलपुर जिले के 5 नगर पालिका में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो संध्या 5 बजे समाप्त हो गई। इस दौरान सुल्तानगंज नगर परिषद, नवछिया नगर परिषद और जिले में पहली बार बनाए गए 3 नगर पंचायत पीरपैंती, अकबर नगर और कहलगांव में पहली बार 3 ईवीएम से वोटिंग की प्रक्रिया कराई गई, जिसमें मतदाताओं ने मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद के लिए मतदान किया।
5 नगर निकाय क्षेत्र में कुल 95 वार्डों के लिए मतदान कराई गई, जिसमें 194 बूथों पर 1,37,793 मतदाताओं में से लगभग 74% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए 1,207 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया। पहली बार ईवीएम से मतदान कर रहे मतदाता मतदान के प्रति काफी उत्साहित दिखे। सुबह से ही मतदान केंद्र पर पुरुष मतदाताओं के साथ साथ महिलाओं की भी लंबी कतार देखी गई। एक और जहां मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए मतदान करने की बात करते दिखे, वहीं पुलिस पदाधिकारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराए जाने को लेकर लगातार मतदान केंद्रों का जायजा लेते दिखे। भागलपुर जिले के 5 नगर निकाय क्षेत्र में हो रहे चुनाव के दौरान अकबर नगर पंचायत के लिए हो रहे मतदान के दौरान बूथ संख्या 2 पर हंगामा होने की सूचना मिलते ही डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव दलबल के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान केंद्र के आसपास भीड़ लगा रहे लोगों को भड़काया। डीएसपी ने मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण पुलिस बल के जवानों और चुनाव करा रहे पीठासीन पदाधिकारियों से बात करते हुए चुनाव अभिकर्ताओं को शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की बात कही। साथ ही डीएसपी मतदान केंद्र के आसपास की गली और मकान के इर्द गिर्द बेवजह जमा लोगों को शाम 5 बजे तक मतदान केंद्र के आसपास भीड़ न लगाने का निर्देश भी दिया। इस दौरान डीएसपी ने कहा कि मतदान केंद्र पर बेतरतीब तरीके से लोग जमा हो गए थे, जिसकी जानकारी मिलते ही वे मतदान केंद्र पर पहुंचे और लोगों को कतारबद्ध कराकर सुचारू ढंग से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कराई गई। कुछ नहीं, ऐसे सूचना कुछ लोग दिए थे, कुछ मीडिया वाले कि भीड़ है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे आए और जो भी था उसको क्रमबद्ध खड़ा करवा दिया गया है और आसपास जो है सब कुछ शांतिपूर्ण है, बस उनको क्रमबद्ध खड़ा कराया, लाइन में खड़ा कराया गया और जो बेतरतीब खड़े थे उनको लाइन में खड़ा कराया गया और सब कुछ शांतिपूर्ण। नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर में प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार अब तेज हो गया है। 28 दिसंबर को मेयर, उपमेयर और पार्षद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अब प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में पूरा जोर लगा दिया है। भागलपुर नगर निगम से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है, साथ ही नुक्कड़ सभा भी कर रही है। प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल के अलावे उनके पति डॉक्टर बिहारी लाल भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और अपने प्रत्याशी को मत देने की अपील भी कर रहे हैं। डॉक्टर वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक भी लोगों से मिलकर उनके वादों इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रहे हैं, साथ ही चुनाव चिन्ह टमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत आज भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर, मायागंज, सुर्खीकल, मिर्जानहाट, नसरत खानी, सिपुरी कॉलोनी सहित अन्य कई क्षेत्रों में घूम घूम कर मतदाताओं से मिली और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही मिर्जान में नुक्कड़ सभा और नसरत खानी में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है, अपनी बातों से मतदाताओं को अवगत करा रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार राजनीति और जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि मतदाता अगर विश्वास जताते हैं तो स्मार्ट सिटी भागलपुर की सभी विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करवाएंगी। सबसे मैं अपील करना चाहती हूँ कि मुझे भरपूर सहयोग दें, मुझे मौका दें, मैं आप लोगों का मान सम्मान ही बढ़ाऊंगी और इस टाउन को भी आगे ले जाऊंगी। जो ये स्मार्ट सिटी के दर्जा में आया है तो ये स्मार्ट सिटी दिखे और आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो मैं एकक करके लूंगी और सबको अच्छे से हल करूंगी। भागलपुर में रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच द्वारा आयोजित 9वें भागलपुर रंग महोत्सव का विधिवत उद्घाटन कल 17 दिसंबर को हो चुका है। इसमें बाहर से आए 5 नाटक की प्रस्तुति की गई थी। वहीं आज 18 दिसंबर को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर कई नाटक संस्थानों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। दूसरी ओर कला केंद्र के प्रांगण में कई कलाकारों ने लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा कल जिन नाटकों का मंचन होना है वो इस प्रकार से है: रविन्द्रनगर नाट्य युद्ध कोलकाता द्वारा हिंदी नाटक संघर्ष, मणिपुरी नाटक प्रभास मिलन, सदगति चोली के पीछे शुद्धि का मंचन होगा। उसके बाद सभी कला जत्था दलों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि कला केंद्र भागलपुर में 3 दिवसीय भागलपुर रंग महोत्सव कार्यक्रम में भारतवर्ष के कई राज्यों से कलाकारों ने शिरकत की है। लाजपत पार्क के कला केंद्र में भागलपुर कला केंद्र के मंच पर मणिपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, झारखंड के अलावे कई राज्य के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिन्हें दर्शकों ने काफी सराहा।
3 बिहार सिग्नल कंपनी एनसीसी द्वारा एनसीसी ग्रुप भागलपुर के तत्वाधान में गंगा नदी के तट पर पुनीत सागर अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में ब्रिगेडियर उदय जावा कमांडर एनसीसी ग्रुप भागलपुर मुख्य अतिथि थे। इस अभियान में 3 बिहार सिग्नल कंपनी एनसीसी के लेफ्टिनेंट कर्नल सुभाष महतो, 4 पीआई और 60 कैडेटों ने भाग लिया। एनसीसी कैडेट्स ने सर्वप्रथम गंगा के तट पर प्लास्टिक एवं अन्य कचरा को एकत्रित किया जो कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग बैंक में जमा किया जाएगा। कैडेट्स ने भाषण प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता में भी भाग लिया। जीरो वेस्ट सर्कुलर सॉल्यूशन के देवाशीष बनर्जी एवं सुबोध कुमार भौमिक ने प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी जिसमें कैडेट्स प्लास्टिक के दुष्परिणाम से अवगत होंगे। अंत में सभी प्रतियोगिता के विजेताओं को ब्रिगेडियर उदय जावा ने पुरस्कृत किया तथा भाषण द्वारा कैडेट्स को प्रोत्साहित किया। पूरे विश्व के साथ साथ भारत और भागलपुर में भी क्रिसमस की तैयारी में लोग जुट गए हैं। भागलपुर के नाथनगर चर्च में कोरोना संक्रमण के बाद पहली बार बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे और प्रभु यीशु और माता मरियम की याद में आयोजित विशेष प्रार्थना सभा में कैंडल जलाकर भाग लिया। इस दौरान ईसाई समुदाय के लोगों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से भारत की सीमा का उल्लंघन करने की नापाक कोशिश और भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों की भिड़ंत के विरोध में आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की तरफ से कचहरी चौक के पास चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका गया। वहीं चीन के राष्ट्रपति के पुतले पर चप्पल से धुनाई भी की गई। पुतला दहन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी दल के लोग हैं और ऐसे हिमाकत करने वाले चीन को कड़ा जवाब दिया जाने की जरूरत है। वहीं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री पर सवाल भी खड़े किए। इन लोगों का कहना है कि मंत्री को लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश में हुई घटना को लेकर सदन में बताने की जरूरत है।